हेलो गाइस, आज के वक्त में इंटरनेट को हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स हैं, लाखों करोड़ों में हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सी वेबसाइट हमारे लिए ठीक है, कौन सी वेबसाइट हमारे लिए टाइम वेस्टेड है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बताता चलूँ, ये वेबसाइट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, जितने भी ऑफिस में काम करते हैं या घर पे काम करते हैं या कोई भी इंटरनेट के ऊपर यूज़ करते हैं किसी भी वर्क को, उनके लिए ये वेबसाइट्स बहुत ही बेनिफिशियल्स हैं। और मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं आपसे कि अगर आप इन वेबसाइट्स को देख लेते हो, समझ लेते हो, इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेते हो, तो ये वेबसाइट्स आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं, और इन वेबसाइट्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हेलो गाइस, मैं हूँ अज्ञान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस सारे यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस सारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहली वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी पर्सन हो जो इंटरनेट यूज़ करता है और अपने ऑफिस के वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रांगली उसको प्रिपेयर करना चाहता है, तो ये वेबसाइट उसके लिए है। इस वेबसाइट का नाम है PDF ड्राइव। यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं बट इंटरनेट को सिर्फ रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अमेज़ोन की बुक्स रीड करते हैं या कोई और बुक्स रीड करते हैं, बट उनको इंटरनेट के ऊपर PDF फाइल्स की प्रॉपर वेबसाइट नहीं मिलती जहाँ से वो PDF फाइल्स को, PDF बुक्स को, PDF पेपर्स को डाउनलोड कर सकें। तो सिंपल इज़ दैट, आपने जाना है PDF ड्राइव वेबसाइट में, वहाँ पर जाके किसी भी आर्टिकल को, किसी भी बुक को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट के ऊपर आपको वो आपकी बुक मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड करने के बाद PDF में रीड भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे मजे की बात ये है कि ये वेबसाइट टोटली फ्री है। इसके ऊपर जितने भी लेटेस्ट वर्जन आते हैं किसी भी बुक्स के, वो ऑटोमेटिकली आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो इस वेबसाइट को आप लाजमी यूज़ कीजिए। फ्रेंड, यहाँ पे अगर दूसरी वेबसाइट की हम बात करें तो ये जस्ट फोटोग्राफिकली जो पर्सन है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पिक्चर शूट करते हैं बट उनका बैकग्राउंड जो है वो अच्छा नहीं आता या ग्रीन स्क्रीन होती है, उसको रिमूव करना चाहते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि उनको अपना बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है, और चेंज करने के लिए वो लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, बहुत सारे पंगे लेते हैं, देन ही वो बैकग्राउंड रिमूव कर पाते हैं बट वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको अगर बोलूँ कि जस्ट एक वेबसाइट के ऊपर जाके जस्ट आपने फोटो अपनी अपलोड करनी है और जस्ट सिंगल क्लिक में आप टोटली बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, नो एनी एप्लीकेशन, नो एनी सॉफ्टवेयर, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चीज़ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है remove.bg। जैसे ही आप remove.bg के ऊपर जाएंगे, वहां पे जाने के बाद आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिलेगा या URL का ऑप्शन मिलेगा, दोनों ही आप यूज कर सकते हो, बट आप अपलोड ऑप्शन यूज कीजिएगा, यानी कि जो पिक्चर अपलोड करनी है उस पिक्चर का फेस जो है वो अच्छे तरीके से डिटेक्ट होता हो, देन ही वो बैकग्राउंड आपके मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक उसको रिमूव करेगा। तो जैसे ही आप उसको अपलोड कर देंगे, नीचे से आप डन कर देंगे, तो आपका कुछ ही टाइम के बाद आपका टोटली बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई भी कमी पेशी रहेगी तो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं कि आप इसका कंप्लीटली बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, किसी और बैकग्राउंड को पीछे इंसर्ट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप इसके ऊपर असेस कर सकते हैं। और इसके साथ एक और बात कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जब भी इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बताई हुई ये वेबसाइट्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर दें, और इसके बाद हम नेक्स्ट वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट वेबसाइट की बात करें तो ये ऑल इंटरनेट यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वेबसाइट है, इसका नाम है pastebin.com। फ्रेंड, इस वेबसाइट को एवरी पर्सन यूज़ कर सकता है अपने कोई भी क्लिपबोर्ड डेटे के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक डेवलपर, एक कोडर हैं, तो आप इस वेबसाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक कोड आपने सेंड करना है किसी और पर्सन को और वो कोड आप सेंड कर रहे हैं यहाँ पे आके, जस्ट आपने वहाँ से कॉपी करना, पेस्ट बिन पे आके आपने उसको रख देना है। उसके बाद आप टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद ये कोड जो है वहाँ पे जो भेजा गया है उसको रिमूव कर दें, यानी कि ये कोड टोटली वहाँ से रिमूव। बेसिकली फ्रेंड्स, जो बहुत ही बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, या इसके अलावा कोई भी कोडर्स के कोड्स होते हैं, कोडिंग होती है, उसको जस्ट आप एक सिंगल क्लिक के जरिए
पेस्ट बिन के जरिए आप इसको सेंड कर सकते हैं किसी और पर्सन को। जैसे वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने वो सारा पैराग्राफ आ जाएगा जिसको यूज़ कर सकता है। तो जो आपने टाइम पीछे सेट किया होगा टाइम शेड्यूल के हिसाब से, बाद में वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तमाम वेबसाइट्स के बारे में आपको एक अच्छी और एक न्यू नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये तमाम वेबसाइट अच्छी लगी हैं तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं लगी तो फ्यूचर के लिए आप इन वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की रिलेटेड वीडियोज़ डेली बेस के ऊपर अपलोड होती हैं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।